दोस्तों फाइनली आ गया वो दिन जब सलमान भाई अपने फैंस के लिए ईदी का तोहफा लेकर आ गए हैं, क्योंकि उनकी मच अवेटेड मूवी किसी का भाई किसी की जान आज रिलीज हो गई है। और जब से ये मूवी मैं थिएटर से देख के आया हूँ, तब से मन तो यही कर रहा है कि बीच में ही मैंने हिम्मत लेकर थिएटर में सलमान भाई से बस यही कह दिया होता, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और ये फीलिंग थिएटर में सिर्फ अकेले मेरी ही नहीं थी, बल्कि थिएटर के बाहर खड़े उन वॉचमैन की भी थी, जो टॉर्च मारकर सबको जबरदस्ती धक्का मार के अंदर भेज रहे थे, क्योंकि वो लोग इस फिल्म को सुबह शाम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ 3 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकते? अरे भाई बिल्कुल कर सकते हैं, अरे क्यों ना करें। हम ठहरे सलमान भाई के डाई हार्ट फैन, और भाई इतने मन से कुछ दिखाना चाहते हैं हमको इस ईद के मुबारक मौके पर, हम मना कैसे कर सकते हैं। तो हम भी चले गए कमर कस के थिएटर में देखने मूवी सलमान भाई की किसी का भाई किसी की जान। तो फिल्म की कहानी के बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि दिखाने और बताने के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं। एक भाईजान है जिनके 3-4 भाई हैं, और उनकी है 3 गर्लफ्रेंड जो करना चाहती हैं भाईजान के तीनों भाई से शादी। तो भाईजान के तीनों भाई और उनकी गर्लफ्रेंड भाईजान की जिंदगी में एक जबरदस्ती का प्यार ठूसना चाहती हैं, जिनका नाम है भाग्या। और साउथ में भाग्या की एक फैमिली है जिसमें उनके भाई है अन्या यानी कि वेंकटेश, जो असल में एक नॉन वायलेंट इंसान है, पर अपनी बहन के लिए जो वो पति चाहते हैं वो भी नॉन वायलेंट होना चाहिए। और ओवरऑल कुछ ऐसा होता है कि भाग्या की फैमिली पे हमला होता है, जिसकी वजह से भाईजान को फाइनली सामने आना पड़ता है, और फिर एंड तक आते आते कैसे पूरी फैमिली को बचाते हैं और सारे गुंडों की ऐसी तैसी करते हैं। कुल मिलाकर फिल्म में बस यही दिखाया गया है। गाइस स्टोरी के मामले में अभी तक दबंग 3 मुझे सलमान खान की अभी तक की सबसे बुरी मूवी लगती थी, पर किसी का भाई किसी की जान ने स्टोरी के मामले में दबंग 3 को काफी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि ये फिल्म साउथ की मूवी वीरम का हिंदी रीमेक है, और दोस्तों मैंने वो वीरम मूवी अभी तक नहीं देखी है, तो मेरे पास अभी भी ऑप्शन है इस फिल्म के बेटर वर्जन को देखने का, और जो फिल्म मैंने देख ली है अब उसका क्या किया जाए। हालांकि फिल्म का एक्शन ताबड़तोड़ है, और सच में जहां जहां पर एक्शन सीक्वेंस आएंगे आपको सलमान भाई का स्वैग वाकई बहुत तगड़ा दिखेगा। फिल्म में इंटरवल से पहले का फाइटिंग सीक्वेंस और फिल्म के क्लाइमेक्स का फाइटिंग सीक्वेंस बहुत ज्यादा तगड़ा बनाया गया है, और बहुत ज्यादा रॉ एक्शन फील कराता है अपनी ब्रूटैलिटी के मामले में। पर बाकी फिल्म के लिए तो बस मैं एक ही बात कहूंगा कि बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हो कि फिल्म के लिए ओवरऑल मेरी फीलिंग कैसी है। असल में हम सलमान को बजरंगी भाईजान के रूप में देखना चाहते हैं, टाइगर के रूप में देखना चाहते हैं, चुलबुल पांडे के रूप में देखना चाहते हैं, पर दोस्तों भाईजान का ये कैरेक्टर मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आया। फिल्म के सॉन्ग्स ओवरऑल ठीक ठाक है, और आपको फैमिली एंटरटेनमेंट की गारंटी तो देते ही देते हैं। स्पेशली फिल्म में दिखाया जाने वाला यन तम्मा सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, और ये गाना सच में आपको थिएटर में झूमने में मजबूर कर देगा। डायरेक्शन, एक्टिंग, म्यूजिक और सस्पेंस की बात की जाए या फिर थोड़ा बहुत एक्शन की बात की जाए, कुल मिलाकर मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 2.5 स्टार। इस फिल्म का ट्रेलर जब आया था तो हमें इस फिल्म से उम्मीद काफी ज्यादा हो गई थी, पर एंड तक आते आते फिल्म को देखकर थिएटर से जब हम बाहर निकलते हैं तब हम सच में अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर से मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। Bring it on.